सुप्रभातम। आज हम हमारा 12वां पाठ द्वादश पाठ है मधुरा श्लोक का। ये जो शेष बचे हुए श्लोक हैं उनको पूरा करेंगे। तो हमारे इसके अंदर जो है तीन श्लोक हो गए थे, अब आगे के जो है हम श्लोकों को जो है पूरा करेंगे। मधुरा श्लोक का अगला श्लोक है श्लोक संख्या 4। संपूर्ण कुंभो ने करोति शब्दम। अर्धो घटो घोषम उपैति नूनम। विद्वान कुलीनों ने करोति गर्वम। जलपंती मूढ़ास्तु गुणैर विहीना। फिर है श्लोक संख्या 5। क्या कहता है? ना अभिषेको न संस्कार न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगे। ये कहता है विक्रमार्जित राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। 1, 5, 13, 36, 41 श्लोक संख्या 6। उदये सविता रक्तश्च अस्त समये तथा
महताम एक होता, महताम एक रूपता। अगला है श्लोक संख्या 7। सैले 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 नै माणिक्यम, सैले सैले नै माणिक्यम मौक्तिकम, मौक्तिकम नै गजे गजे, नै गजे गजे साधवे नहीं, साधवे नहीं सर्वत्र, साधवे नहीं सर्वत्र चंदनम ने बने बने, चंदनम ने बने बने। ये है हमारे इस पाठ के 4 श्लोक। ठीक है, चौथा श्लोक है, हमने 3 श्लोक कर लिए थे, हमारा चौथा श्लोक है संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोषम उपैति नूनम, विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम, जलपंति मूढ़ास्तु गुणैर विहीना। ठीक है, कहता है कि जो भरा हुआ गड़ा होता है, संपूर्ण कुंभो, कुंभ का मतलब होता है गड़ा, घट जो है मटका, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम, वह कभी भी आवाज नहीं करता है, भरा हुआ गड़ा जो है वो कभी भी आवाज नहीं करता है, उसके अंदर से कभी भी आवाज नहीं आती है। कभी आपने देखा होगा कि पानी से जो भरा हुआ गड़ा होता है उसमें कभी वो गूंजता नहीं है, तो कहता है संपूर्ण भरा हुआ गड़ा जो है वह कभी आवाज नहीं करता, कभी शब्द नहीं करता। अर्धो घटो घोषम उपैती नूनम, और कहता है कि जो आधा भरा गड़ा होता है, जिस गड़े में पानी कम होता है, वह निश्चित रूप से आवाज करता रहता है, छलकता रहता है, उसकी आवाज आती है। अर्धो घटो आधा भरा हुआ गड्ढा जो है गौसम उपैती नूनम, वह निश्चित रूप से आवाज करता रहता है, लेकिन कभी भी एक भरा हुआ गड्ढा जो होता है उससे आवाज नहीं आती। विद्वान कुलीनों ने करोती गर्वम, और जो विद्वान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो कहता है कुलीनों ने करोती गर्वम, वह कभी भी अहंकार नहीं करते हैं, कभी भी किसी बात को लेकर के घमंड इत्यादि नहीं करते हैं। जो अच्छे परिवार से होते हैं, बड़े परिवार के लोग जो होते हैं, महान लोग जो होते हैं, वो कभी भी, विद्वान लोग किसी भी बात को लेकर के घमंड नहीं करते हैं, वो हमेशा अपनी शालीनता ही प्रकट करते रहते हैं। कहता है जलपंती मूढ़ास्तु गुणैर विहीना, मूढ़ा मूढ़ा का मतलब होता है मूर्ख लोग, जिनको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, ऐसे मूढ़ जो है जलपंती, फालतू की बातें अंट संट बकते रहते हैं, गुणैर विहीना बिना गुणों के ही, उनके अंदर कोई गुण नहीं होता, उनके अंदर कोई योग्यता नहीं होती, तो कहता है कि जो मूर्ख लोग होते हैं, जो मूढ़ लोग होते हैं, वो जो बिना गुणों वाले होते हैं, वो ऐसे ही दूसरों की बातें जो है करते रहते हैं, अपना समय जो है खराब करते रहते हैं। ठीक है, तो अगला कहता है न अभिषेक न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगई विक्रमादित्राज्यस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। कहता है जो जंगल का शेर होता है, वो जंगल में शेर होता है, वो कहता है ना अभिषेक है, न उसका कोई अभिषेक करता है, अर्थात उसका कोई आदर सम्मान करता है, न संस्कार है, न उसके संस्कारों को कोई सम्मान देता है, उसकी योग्यता का कोई जो है सम्मान देता है,
सिंहस्य कृते मृग सिंहस्य क्रियते मृगही, और कोई भी जानवर जो है उस सिंह के लिए कार्य नहीं करता, यानी उसकी बड़ाई नहीं करता, उसको मान सम्मान नहीं देता। कहता है विक्रमार्जित राज्यस्य, वह अपने राज्य के अंदर जो है अपने विक्रम से, अपने पराक्रम से, अपनी योग्यता के बल के आधार पर जो है स्वयमेव मृगंधता, वह अपनी योग्यता जो है मनवा लेता है। अर्थात कहता है कि विद्वान लोग जो होते हैं, योग्य लोग जो होते हैं, वह अपनी योग्यता के बल पर जो है अपनी काबिलियत को जो है साबित करके दूसरों से अपना लोहा मनवा लेते हैं। ठीक है, अगला कहता है उदये सविता रक्त है रक्तश्च अस्तम समये तथा संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। बहुत अच्छी बात बताई गई है। कहता है कि उदय, उदय होते समय, प्रातः काल के समय जो है सविता, सविता मीन्स होता है सूर्य, तो उदय होते समय सूर्य जो होता है उसका वर्ण कैसा होता है, उसका रंग लाल होता है, बिल्कुल लाल होता है। कभी प्रातः काल जब हम उठते हैं, सूर्य भगवान के जब हम दर्शन करते हैं, तब हम देखते हैं कि उसका रंग जो है बिल्कुल लाल जो है हमें दिखाई देता है। तो उदय समय सविता रक्त है, सूर्य का रंग कैसा होता है, लाल होता है। रक्तश्च अस्त समय तथा, और कहता है लाल ही रंग उसका जब होता है जब वह अस्त होता है। अर्थात आप कभी सायं के समय, संध्या के समय देखना कि सूर्य का रंग जो है उस समय भी आपको लाल ही दिखाई देता है। तो प्रातः काल जब सूर्य उगता है जब भी सूर्य लाल होता है, और अस्त होता है तब भी सूर्य लाल होता है। संपत्तौ च विपत्तौ च महतान एक रूपता, लेकिन जो महान लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, चाहे उनके पास बहुत अधिक संपत्ति आ जाए या उनके ऊपर जो है बहुत बड़ा कष्ट आ जाए, संपत्तौ च संपत्ति पा करके, और विपत्तौ च और विपत्ति आने पर भी वह एक समान बने रहते हैं, एक समान रूप रहते हैं, कभी भी उनके अंदर किसी भी प्रकार का जो है वो अपनी सज्जनता नहीं त्यागते हैं, उनमें जो है किसी भी प्रकार का जो है बदलाव नहीं होता है। ठीक है, अगला है हमारा सातवां श्लोक, कहता है सैले सैले न माणिक्यम मोक्ति कम ने गजे गजे साधव नहीं सर्वत्र चंदनम ने वने वने। बहुत अच्छी बात बताई गई है कि सैले सैले ने माणिक्यम, अर्थात जो है सैले सैले पर्वत, हर पर्वत पर जो है माणिक्य नहीं होती, मणि नहीं होती है, हर पर्वत जो है पहाड़ जो होता है वो मणि को धारण नहीं करता है। और कहता है मोक्ति कम ने गजे गजे, और हर हाथी के अंदर मोती नहीं होते हैं, जितने भी हाथी हैं अगर सभी में मोती मिलने लग जाए तो लोग बाग जो है हाथियों को मार मार करके तो उनका मोती निकाल लें और सभी जो है धनवान बन जाए। इसलिए कहता है कि हर हाथी के अंदर जो है मोती नहीं पाया जाता, और हर पर्वत के अंदर कभी भी मणि नहीं पाई जाती है। कहता है साधु नहीं सर्वत्र, और साधु सभी जगह नहीं मिलते हैं, अच्छे लोग हर स्थान पर नहीं मिलते हैं, अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ता है। दुर्जन लोग तो बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन आपको साधु और सज्जन लोग जो है वो आसानी से नहीं मिलेगा। तो कहता है साधवे नहीं सर्वत्र चंदनम ने बने बने, और हर जंगल के अंदर, हर वन के अंदर चंदन का वृक्ष नहीं होता है। हर जगह चंदन मिल जाए तो फिर चंदन की जो है कीमत कम हो जाएगी, कोई चंदन को मानेगा नहीं। अतः हर वन में चंदनम ने बने बने, प्रत्येक वन में जो है चंदन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे जो है चार श्लोक थे। अब मैं इनका जो है हिंदी अनुवाद यहां लिख देता हूं, आप लिख लीजिए।
सरला। एक आधा भरा घड़ा हमेशा पानी से भरा एक घड़ा कैसी भी पैदा नहीं करता। जैसे विद्वान जैसे विद्वान व्यक्ति कभी अपनी उपलब्धियों पर बड़ाई नहीं करता। और गुणहीन व्यक्ति हमेशा अपनी उपलब्धियों पर गर्व प्रदर्शित करता है। एक बार फिर से देख लीजिए, इस श्लोक में बताया गया है कि संपूर्ण कुंभोद करोति शब्दम अर्धो घटो घोषम उपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्वम जलपन्ति मूढ़ास्तु गुणैर बीना। अर्थात एक आधा भरा घड़ा हमेशा जोर से आवाज करता है बनाता है, जबकि पानी से भरा एक घड़ा कैसी भी ध्वनि पैदा नहीं करता है। जैसे विद्वान व्यक्ति कभी अपनी उपलब्धियों पर बढ़ाई नहीं करता, और गुणहीन जो व्यक्ति है वह हमेशा अपनी उपलब्धियों पर गर्व प्रदर्शित करता रहता है। श्लोक संख्या 5।
ना अभिषेके न संस्कारे कोई और सिंह का वन में राजा जैसे अभिषेक या संस्कार नहीं करता है। अपने पराक्रम के बल पर वह स्वयं पशुओं का राजा बन जाता है। पशुओं का राजा बन जाता है। ठीक है, कहता है कि जो शेर होता है उसका कोई भी सम्मान नहीं करता, क्योंकि वो हिंसक जो है जानवर होता है। अतः कहता है कि वह जो है कोई और सिंह, कोई और जानवर हो या कोई और भी हो, पक्षी हो, वह सिंह का वन में राजा जैसे अभिषेक या उसका सम्मान नहीं करता है, उसका संस्कार नहीं करता है, परंतु वह अपने पराक्रम से, अपनी वीरता से, योग्यता से, जो कि बल पर जो है, वह स्वयं पशुओं का राजा बन जाता है। उसको किसी से सम्मान करवाने की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर इतना पुरुषत्व होता है, पुरुषार्थ होता है कि स्वयं राजा बनने की योग्यता वह रखता है। आता है, कहता है उसका कोई सम्मान नहीं करता, फिर भी वह अपना सम्मान खुद करवा लेता है। श्लोक संख्या 6। कहता है उदय होते समय सूर्य लाल होता है, सूर्य लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है, लाल होता है। सूर्य का वर्ण जो है, रंग जो है, वो अस्त होते समय भी लाल रहता है। सत्य है महापुरुष सज्जन लोग या महापुरुष जो है सुख और दुख में समान रहते हैं, अर्थात उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता,
वो एक रूप बने रहते हैं। ठीक है, महापुरुष जो लोग होते हैं उदय होते समय सूर्य लाल होता है और अस्त होते समय भी वह लाल होता है। दोनों समय जो है उसका वर्ण जो है उसका रंग जो है लाल होता है। सत्य कहा गया है महापुरुष जो है वो सुख में और दुख में जो है एक समान रहते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन, उनके व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, आगे कहता है श्लोक संख्या 7, शैले शैले नय माणिक्यम, प्रत्येक पर्वत पर अनमोल रत्न नहीं होते, अनमोल रत्न नहीं होते, प्रत्येक हाथी प्रत्येक हाथी के मस्तक में के मस्तक में मोती नहीं होता, मोती नहीं होता। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से सज्जन लोग सब जगह नहीं होते हैं और कहता है सज्जन लोग सब जगह नहीं होते और प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाया जाता और प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाया जाता है। ठीक है, कहता है कि प्रत्येक पर्वत पर जो है अनमोल मोती इत्यादि जो है नहीं होते, प्रत्येक पर्वत पर अनमोल रत्न नहीं होते, मोती नहीं होते, प्रत्येक हाथी के मस्तक में मोती नहीं होता, हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता है, सज्जन लोग सब जगह नहीं होते और प्रत्येक वन में चंदन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ये आदर्श श्लोक है, इनको जो है हम अपने जीवन में अपना करके और हम अपने जीवन को उज्जवल बना सकते हैं। इनका हिंदी अनुवाद हमें अपनी जो है नोटबुक में लिखना है। ठीक है, इस श्लोकों को भी लिखना है, हिंदी अनुवाद भी लिखना है, याद भी करना है। धन्यवाद।